स्वागत है आपका सक्सेस स्किल्स रक्षा एकेडमी में और पेपर फोर एथिक्स एंकर्स जो एक पार्ट है उसकी सीरीज अपनी चल रही है और जिसको बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश की जाएगी ताकि हम और सब्जेक्ट्स पर ध्यान दे सकें। इसके पहले कि मैं सीधे टॉपिक पर जाऊं, कुछ बातें जरूरी है मैं आपसे बता दूं। बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, सर एमपीजी के शुरू कर दीजिए, सर साइंस भी शुरू कर दीजिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब मैं एक सब्जेक्ट को शुरू करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा उस सब्जेक्ट को पूरा करूं। कई यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं जो शुरुआत में आते हैं, एक टॉपिक इस सब्जेक्ट पढ़ा दिया, एक टॉपिक उस सब्जेक्ट पढ़ा दिया, एक टॉपिक उस, तो उससे क्या होता है कंप्लीट कोई चैनल ऐसी नहीं मिल पाती जिसमें हर चीज जो आपके लिए रिक्वायर्ड हो आपको मिले। और मेरी जो कोशिश है, जो मेरा सपना है, वो ये है कि इस तरीके के चैनल में आपको तैयार करके दूं कि यदि आप इस चैनल पे हो तो आपको कम से कम एमपीपीएससी के लिए कहीं और कुछ ना देखना पड़े। जो भी आपको उसमें गाइडेंस चाहिए है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी आपको यहां पर मिले। खैर, इसके बारे में हम और बात करेंगे। आज हम जिस थिंकर के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, वो एक महान व्यक्तित्व थे, ठीक है। उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो महान हस्तियां होती हैं उनके बारे में ज्यादा जानकारी नॉर्मल व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हमने बहुत ही लिमिटेड पढ़ा है अपनी किताबों में, हमने यही पढ़ा है कि गीतांजलि के लेखक थे या फिर इनके जो हमारा राष्ट्रगान है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, बस इतना ही। और बाकी का हमारा इतिहास कुछ पर्टिकुलर लोगों के नाम के आगे पीछे घूमता रहता है। कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा है वो कहा जाए तो किसी लेवल पे कम है और उसी का नतीजा है कहीं ना कहीं बहुत सारी जो ग्रोथ इंडिया की हो सकती थी वो नहीं हुई। और ये सब बातें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बोली थी, जो अब कुछ लोगों के समझ में आ रही। अभी भी जब भी शिक्षा में कुछ परिवर्तन करने की बात आती है तो वहां पे कई ऐसे संघ होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो ये विरोध करते हैं कि शिक्षा में बदलाव किया जा रहा है। आखिर जिन लोगों का हमारे देश से मतलब नहीं है हम उनके बारे में क्यों पढ़ें? बहुत सारी चीजें हैं, या जो अनवांछित चीजें हैं उनको हटाना, कुछ वांछित चीजों को लाना, शिक्षा को प्रैक्टिकल करना थ्योरेटिकल की जगह पर, बहुत सारी चीजें जो 19वीं शताब्दी में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहे गए थे। इनके बारे में डिटेल में कभी आप पढ़िएगा, खैर अभी जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, इनके बारे में जो इनकी गीता चली थी, जो इनकी कृति थी उसको दिया गया था। अगर भारत का एकमात्र साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसी को दिया गया है तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, गुरुदेव को दिया गया था। गुरुदेव को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, बट अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि भी उनको लौटा दी थी, ठीक है। इसके बाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति, ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान है, जिसमें भारत का जनगणमन और अमार शोभा बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, इन दोनों के रचयिता है, ठीक है। इसके बाद विश्व भारती नामक एक संस्था की है संस्थापक है। विश्व भारती क्या है इसको जब हम अभी इनका अंतरराष्ट्रीय बात पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा आखिर विश्व भारती की संकल्पना क्या थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी नींव कहीं ना कहीं विश्व भारती के ऊपर ही रखी गई थी, यानी जो इसकी परिकल्पना की थी किसी ऐसी संस्था की जो पूरे वैश्विक स्तर पर सारे देशों को समन्वित करेगी, सारे देशों को संभाल के रखेगी, उनके मुद्दों को देखेगी, उसकी परिकल्पना विश्व भारती के माध्यम से ही प्रारंभ की थी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये बहुत अच्छे कवि, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार, समाजसेवी और शिक्षाविद थे। एक कंप्लीट पर्सनैलिटी और एक ऐसे इंसान जो आधुनिकता के साथ पौराणिकता को भी महत्व देते थे, एक ऐसा समन्वय जो मनुष्य के साथ प्रकृति को भी महत्व देते थे, एक अलग ही सोच, एक अलग ही व्यक्तित्व। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इनके बारे में हम सबने बहुत कम पढ़ा है, बल्कि हमें इनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्तित्व को निखार कर, ऐसे व्यक्तित्व थे जो आपको सिर्फ मानववादी नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीयवादी बनाते हैं। अक्सर क्वेश्चन आता है टैगोर का राष्ट्रवाद क्या है, टैगोर का मानवतावाद क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मानवतावाद तक हम चले उससे पहले इनके दर्शन को पढ़े। इनका दर्शन और चिंतन जो था, इनकी जो फिलोसफी थी और जो इनके कंसर्न्स थे वो जो बेसिक थे वो आपके प्रकृतिवादी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव का मानना था कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में यदि सामंजस्य बैठाया जाए, मनुष्य और प्रकृति यदि एक दूसरे को जानते चले, मनुष्य और प्रकृति के बीच में यदि भावनात्मक संबंध होगा, तब उस परिस्थिति में एक ऐसे विश्व का निर्माण हो सकता है जहां पे द्वेष, नफरत या जो भी आज आतंकवाद जैसे कोई मुद्दे बहुत सारे उठ रहे हैं, इनकी कोई जगह नहीं बचेगी। साथ में
जब मनुष्य प्रकृति के साथ में सामंजस्य स्थापित करेगा तो आधुनिकता की दौड़ में वह इतना अंधा नहीं हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कुछ भी छोड़ के ना जाए। आज देखिए मैं खजुराहो में हूँ, 48 डिग्री टेम्परेचर डेली यहाँ पे होता है, इंडिया का हाइएस्ट टेम्परेचर आज इस जगह का हो रहा है 48 डिग्री। क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य और प्रकृति के बीच में संबंध टूट चुका है। आधुनिकता की दौड़ में इतना ज्यादा हम बह चुके हैं कि प्रकृति का हमने कोई विनाश ही किया है। वो ये सब बातें गुरुदेव ने 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में कही थी। आप सोच सकते हैं कि भविष्य को कितने अच्छे से देखने वाले व्यक्तित्व थे। राष्ट्रवादी, एक राष्ट्रवादी होने का कहीं भी गेम आपने पढ़ा होगा, बापू और आपके टैगोर के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनमुटाव चलता था कुछ बातों को लेकर। बापू राष्ट्र का राष्ट्रवाद एक अलग राष्ट्रवाद है और आपका टैगोर का राष्ट्रवाद एक अलग राष्ट्रवाद। टैगोर का जो राष्ट्रवाद था उस राष्ट्रवाद में कहीं भी जाति, धर्म, लिंग, किसी को कोई स्थान नहीं था। इनके राष्ट्रवाद में कोई भी ऐसी उन्मादता नहीं थी जो लोगों के बीच में द्वेष ला सकती थी। वह किसी भी पर्टिकुलर धर्म को अलग से कुछ सपोर्ट करने में या किसी का विरोध करने में समर्थक नहीं थे। वह मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने में समर्थक थे, बल्कि बापू का अपना एक अलग नजरिया था, उनकी एक अलग सोच थी। गलत वो नहीं थे, गलत नहीं थे, बस टैगोर जो थे वो मानव को मानव के रूप में देखने पसंद करते थे और उसी के अकॉर्डिंग वह काम करना चाहते थे। इसलिए आगे लिखा है मानवतावादी। इनका जो राष्ट्रवाद था, यह अपने देश से बहुत प्रेम करते थे। राष्ट्रगान इन्होंने पूरा लिखा है, सारी जिनकी रचना है कहीं ना कहीं देश की जो दुर्दशा है, जो भी चीजें हैं बहुत अच्छे से उसमें परिलक्षित होती हैं। लेकिन इनका जो राष्ट्रवाद था ये किसी से द्वेष नहीं रखता था, ठीक है। यह अपनी संस्कृति के साथ में वैश्विक संस्कृति के सम्मिश्रण को ही उचित मानते थे। मानवतावादी थे, इन्होंने कहा है मानवतावादी। अब यहां पर जब मानवतावादी में आपको बता दो, चलिए टैगोर के मानववाद की भी हम बात कर लें। यहां पर सबसे बड़ी खास बात है टैगोर के मानववाद की कि इन्होंने ईश्वर के स्थान पर मानव की श्रेष्ठता के बारे में बात कही है। क्यों ऐसा कहा गया? आप अगर आज से 20 साल पहले की बात करें, अगर आप में से कोई मेरी एज का भी है, तो आप देखेंगे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और ईश्वरीय शक्ति के नाम पे बहुत ज्यादा आडंबर समाज में फैले हुए थे आज से 20 साल पहले तक। तो ये सोचिए, आज से 100 साल पहले जब टैगोर थे, या 150 साल, 100-125 साल पहले जब टैगोर थे, लगभग 1861 में इनका जन्म हुआ था, बापू से भी पहले इनका जन्म हुआ था, 1861 में हुआ था, 1941 में इनकी मृत्यु हुई है। तो आप समझिए उस समय पे ये धर्मांधता कितनी अधिक होगी, कितनी ज्यादा होगी। तो उस चीज को उन्होंने देखा कि व्यक्ति जो है उसका महत्व तो ज्यादा होना चाहिए, ना कि किसी ईश्वरीय प्रतिष्ठा का, ना कि किसी धर्म का, ना कि रीति रिवाजों का, ना किसी का। व्यक्ति को महत्व मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जातिवाद होगी, धार्मिक अंधता होगी, तो उससे क्या होगा, व्यक्ति आपस में एक दूसरे के द्वेषी बन जाएंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं मानव ही प्रकृति का ही एक अंश है, तो ये प्रकृतिवादी भी थे। तो ये कहते थे जब प्रकृति में मानव आपस में द्वेष में रहेगा तो कहीं ना कहीं प्रकृति का भी नुकसान होगा। तो सबसे पहले इनके मानवतावाद की खास बात है कि इन्होंने ईश्वर की जगह मानव की श्रेष्ठता को स्थान दिया। दूसरी बात, इन्होंने आधुनिकतावाद का समर्थन किया। आधुनिकतावाद में यह है कि इन्होंने वैश्विक मानव की संकल्पना जो मैंने लिखी है, वैश्विक मानव की संकल्पना की, इन्होंने कहा इस विश्व में जितने भी लोग हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम की प्रणाली भारतीय सभ्यता में हजारों सालों से चली आ रही थी, उसको गुरुदेव ने बहुत अच्छे से अपने अंदर आत्मसात किया। वसुधैव कुटुंबकम की बात बहुत सारे महान व्यक्तियों ने की है, लेकिन वास्तविकता में उसको आत्मसात यदि किसी एक दार्शनिक ने किया है तो वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने विश्व के हर व्यक्ति के साथ में सामंजस्य, प्रेम, सद्भाव, सौहार्दता की भावना को प्रेरित किया और अंतोगत्वा देश विदेशों की सीमाओं सबसे हटकर मानव की जो प्रतिष्ठा है, ऐसे मानवतावाद को स्थान दिया जिसमें सारे विश्व के मानव एक समान, एक पटल पर, एक स्थान पर, एक दूसरे के लिए खड़े हो सके। तीसरा इन्होंने जो मैंने कहा है, ऊपर मैंने लिखा है कि प्रकृति और मानव की श्रेष्ठता, ये तो मैंने पहले बताया है, लेकिन इसके साथ में प्रकृति और मानव का समन्वय। ये कहते हैं कि जब भी हम कुछ सीखते भी हैं तो भी यदि हम प्रकृति के साथ मिलकर सीखेंगे तो वो सृजनात्मक होगा, उसमें एक नया सृजन हो गया, नई खोज होगी और हम नए नए मूल्यों के साथ में आगे बढ़ेंगे यदि हम प्रकृति के साथ में जुड़ के रहेंगे। अगर हम अप्राकृतिक हो जाएंगे, हम प्रकृति को समझना भूल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो ये बैलेंस है
पूरी प्रकृति का मानव के साथ में, मानव तो प्रकृति के साथ में वो बिगड़ने का डर था, और अगर प्रकृति के साथ में बैलेंस बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसका सीधा खतरा मानवतावाद का होगा। तो जो आपकी गुरुदेव का मानवतावाद है, ये कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों को और मानव को स्वयं को ज्यादा श्रेष्ठ मानता है, प्रकृति को ज्यादा श्रेष्ठ मानता है, अपितु ईश्वरीय शक्ति या किसी और जो प्रलोभन आडंबर जो भी आसपास होते हैं उनको। ठीक है, इनका जो दर्शन है इसमें मानवतावादी का कोष सार्वभौमिक विचारशील थे। सार्वभौमिक विचारशील से मेरा कहने का मतलब है कि जो पूरा विश्व है, अगर हिंदुस्तान में कुछ हो रहा है तो हमें उसके लिए भी चिंतित होना चाहिए, अगर म्यांमार में कुछ हो रहा है तो हमें उसके लिए भी चिंतित होना चाहिए, अगर नॉर्थ कोरिया में कुछ हो रहा है तो हमें उसके लिए भी चिंतित होना चाहिए, और अगर यूएसए में कुछ हो रहा है तो हमें उसके लिए भी चिंतित होना चाहिए। यानी विश्व में हो रही हर घटना विश्व के व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली घटना से हमें भी प्रभावित होना चाहिए, ऐसा गुरुदेव का मानना था। इन्होंने कहा प्रेम जो है वो सर्वत्र है, विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, वहां की भाषा कुछ भी हो, आप उस भाषा को समझते हो ना समझते हो, लेकिन जो प्रेम है वह हर जगह पर समान रूप में पाया जाता है। इन्होंने और एक बात कही कि ब्रह्म भी सर्वव्यापक है, जो ईश्वर है, ईश्वर के बारे में इनका मानना और बिल्कुल कबीर की तरह ही था कि अगर देखा जाए तो कण कण में ईश्वर का वास है, कहीं भी कोई ऐसा स्थान नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि कोई उसको बुद्ध के नाम से जानता है, कोई उसको महावीर के नाम से जानता है, कोई उसको राम के नाम से जानता है, कोई कृष्ण के नाम से, कोई पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से जानता है, कोई उनको यीशु के नाम से जानता है, लेकिन पूरे विश्व में कहीं ना कहीं ब्रह्म विराजमान है, वह एक है, और जब ब्रह्म ही एक है तो मानव को भी एक होना चाहिए। वैश्विक संस्कृति के समर्थक थे, यही ये मानते थे कि पाश्चात्य संस्कृति के साथ में जब जो अपनी प्राचीन संस्कृति है अगर इसका मिश्रण हो जाएगा तो ये विश्व बहुत ही आगे जाएगा। और इसको अगर प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, यदि हमारे आज आयुर्वेदा की बात की जाए, आज आप देखिए जितने भी फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ पर है, संस्कृति से ही जोड़ रहा हूं मैं इसको, वो कहीं ना कहीं हम आयुर्वेद की बात करना शुरू कर रहे हैं। तो इससे हमें समझ में क्या आ रहा कि जो आधुनिक विचारधारा के लोग हैं उनको हमारी संस्कृति जो है वो उनसे कहीं ज्यादा ऊपर थी, और यदि आधुनिक विचारधारा की जो कुछ अच्छाइयां हैं और हमारी संस्कृति की जो अच्छाइयां हैं यह अगर मिश्रित कर दिए जाए तो हम चाहे कोई भी क्षेत्र हो उस क्षेत्र में श्रेष्ठतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो टैगोर साहब ने उस समय देखी थी जब लोग अपने आप से अपने गांव से बाहर नहीं निकल पाते थे, लोग खूब मंडूकता भी नहीं देते थे, तब टैगोर साहब गुरुदेव साहब वैश्विक स्तर पर संस्कृतियों के समन्वय की बात करते थे। शिक्षा दर्शन में इन्होंने तीन बातें कही, अगर शिक्षा के दर्शन में बात की जाए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले इन्होंने स्वतंत्रता की बात की, इन्होंने कहा कि जो आपकी शिक्षा होनी चाहिए वो बंधी हुई शिक्षा नहीं होनी चाहिए। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमी है कि हमारी जो शिक्षा है वो हमें नौकर बनना सिखाती है। आज हम और आप जो ये तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम नौकर बनने के लिए कर रहे हैं, बल्कि और एक बंधी हुई शिक्षा है कि चाहे व्यक्ति की अभिरुचि किसी भी क्षेत्र में हो लेकिन पढ़ना आपको इसी पैटर्न में पढ़ना पड़ेगा, आप इससे अलग जाके कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भले आप अच्छे चित्रकार हो सकते हैं लेकिन पढ़ना आपको गणित विज्ञान ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो बात जो गुरुदेव कहते थे कि एक स्वतंत्र शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए जिस प्रणाली में व्यक्ति अपनी रुचियों के अनुसार, और अगली जो लाइन थी सृजनात्मक स्व अभिव्यक्ति, सृजनात्मक को यदि मैं कहूं तो इसको इंग्लिश में जो इसका वर्ड होगा एक खोज, हिंदी में इंग्लिश में वर्ड जो खोज करेगा या कहीं एक क्या वर्ड इसके लिए करूं जिसमें कहीं ना कहीं खोज की प्रवृत्ति हो, उसमें नए नए इनोवेशन, हाँ इनोवेटिव जो आपकी हो, इनोवेटिव आपके तरीका हो, आपकी जो पढ़ाई हो इनोवेशन के साथ में हो, जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं उसमें नया नया आप इनोवेशन कर रहे हो, और स्व अभिव्यक्ति यानी शिक्षा जो आपकी हो उसमें आप अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहे हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। आप जो पढ़ते हैं क्या उससे वास्तविकता में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं? आपको कई बातें जो किताबों में लिखी है वो गलत लग सकती है, तो क्या आप उनका विरोध कर पाते? नहीं, किताबों में जो लिखा है वो सही है। बाप गुरुदेव ने आज से मतलब 100-150 साल पहले ये बात समझ ली थी कि व्यक्ति को ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जिससे उसकी स्वयं के अभिव्यक्ति हो। आज अगर आप विदेशों में जाएंगे, मैंने यूएस कंपनी के साथ काम किया है तो वहां पर मैं देखता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, वहां की एक अलग ही सोच है, वहां जो व्यक्ति को करना है वो व्यक्ति करता है। एक जर्मनी का मेरा फ्रेंड बना था वहां पे, वो व्यक्ति 30 साल की एज में भी अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, साथ में उसको घूमने का शौक था, तो उसने
एक ऐसा प्रोजेक्ट लिया जिसमें घूम घूम के विश्व के बारे में वो चीजें करता था, तो पूरा विश्व भ्रमण कर रहा था, यानी उसकी रुचि तो विश्व घूमना था, साथ साथ में वो उसके बारे में अपने सिनॉप्सिस नोट्स वगैरह बना के पूरी अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर रहा था। कई लोग वहां पर हैं जो जंगलों में रहकर भी अपनी पढ़ाई करते हैं, उनके ऊपर खोज करते हैं। इंडिया में कभी इस तरीके की सोच आती है? और जिसके पास में आती है उसको उसके माँ बाप या उसके मोहल्ले वाले पागल ही करते हैं। हमारे क्या, हमारे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो आजकल कलेक्टर वगैरह है, आपकी जो गवर्नमेंट जॉब हो गई है बस, वरना मेरे समय में दो ही चीजें होती थी, डॉक्टरी या कलेक्टरी, इसके अलावा कुछ डॉक्टरी या फिर आप इंजीनियर हो तो सुधर। लेकिन वहां पर लोगों को देखिए, तो यहां पर जो कहीं ना कहीं मैं कहूं गुरुदेव की जो सोच थी वो वैश्विक सोच थी, और जिस समय विश्व आगे बढ़ रहा था उस समय गुरुदेव ये चीज देख रहे थे कि आज अगर अमेरिका हमसे आगे, कहीं ना कहीं ये एजुकेशन सिस्टम है उनके यहाँ पे सृजनात्मक स्वाभिव्यक्ति वाला इनोवेटिव जो आपका रिप्रेजेंटेशन है उनका एजुकेशन के क्षेत्र में, उसी की वजह से ये आपका वो बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। हमारे यहाँ बंधे हुए हैं, हमें जो पढ़ना है सिर्फ वही पढ़ेंगे, हमें अगर पीएससी करनी है तो वही हिस्ट्री पढ़नी है, वही चीजें करनी है। उसका कितना यूज आपका आता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हिस्ट्री जो हम पढ़ते आ रहे हैं ठीक है हमें जरूरत है उसकी, लेकिन उसका वास्तविकता में हम उपयोग कहां पर करते हैं प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर? हम क्यों ना ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ें या प्रैक्टिकली हमें ऐसा कोर्स दिया जाए जिसमें हम लोगों के बीच में रहना कैसे है, लोगों के साथ में काम कैसे करना है, समन्वय कैसे बिठाना है, उसके बारे में सीखें। बट खैर शिक्षा प्रणाली तो ठीक ही तो है। तीसरा इन्होंने कहा प्रकृति और इंसानों की सक्रिय सहभागिता। इन्होंने कहा शिक्षा में आपको कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, यानी जो आप पढ़ रहे हो उससे प्रकृति का कोई नुकसान ना हो, प्रकृति से आप सीखें कि किस तरीके से प्रकृति में नए नए इनोवेशन होते हैं, किस तरीके से जल जा रहा है, वायु चल रही, सब चीज आप प्रकृति के साथ मिलकर अगर सीखेंगे, प्रकृति के माहौल में सीखेंगे, तो वो आप उसको आत्मसात कर पाएंगे। वह शिक्षा जो आप प्रकृति के साथ में लेंगे उसको किताबी शिक्षा नहीं होगी, वो एक तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, वो आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाने में हेल्प करेगा। तो गुरुदेव की जो सोच थी वो वाकई एक आधुनिक मानव की सोच थी, और एक ऐसी सोच जो सबको समझ में लेकर चलना चाहती थी। गुरुदेव कहीं ना कहीं आवासीय विद्यालय के बारे में भी कहते थे, वह यह चाहते थे कि जिस प्रकार पौराणिक समय में भी गुरुदेव टीचरों के साथ में बच्चे रहा करते थे, तो यहां पर अभी भी बच्चे अपने टीचर्स के साथ में रहे। एक अनुशासन भी चाहते थे, जैसे नवोदय विद्यालय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं गुरुदेव की सोच का एक उदाहरण है, मैं खुद नवोदय विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ, तो वहां पर एक अनुशासन होता है, वहीं पे क्वार्टर्स होते हैं, वहीं पे जो टीचर्स रहते हैं, वहीं पे स्टूडेंट्स रहते हैं, सब एक डिसिप्लिन होता है। सुबह 6 बजे हमें उठना है, उठने के बाद हमारी पीटी होती थी, पीटी के बाद में हम जाते थे, तैयार होते थे, फिर हमारा एक पीरियड लगता था, उस पीरियड के बाद में हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए वापस आते थे अपने मैथ्स में, वहां से खाना खाते, फिर 3 बजे तक हम अपनी 2 बजे तक जो भी क्लासेस है वो कंप्लीट की, क्लासेस कंप्लीट करने के बाद हमें खाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ा सा हमें गैप मिलता है, फिर हमारी एग्जाम के टाइम पर रेमेडियल क्लासेस, यानी टीचर वहीं पर रहते थे, जो आपने क्लास में पढ़ा है वो ठीक है, उसके बाद में जो टॉपिक्स आपने कवर नहीं हुए तो एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी चलती थी वहां पर, नाइट में भी चलती थी, ठीक है, एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी वहां पर होती थी। साथ में शाम को आपका एक टाइम होगा स्पोर्ट्स आवर होगा, वहां पे आप खेलेंगे, गेम्स वगैरह होंगे, आपके व्यायाम वगैरह होंगे, तो एक डिसिप्लिन और एक पैटर्न में चलने वाली लाइफ, और साथ में सारे टीचर वहीं पे बच्चों के साथ में रहते थे। तो नवोदय विद्यालय की जैसी संकल्पना गुरुदेव ने आज से 100 साल पहले कर ली थी, जिसको बाद में आके हमारी गवर्नमेंट ने नवोदय विद्यालय की योजना बुलाई, वो कहीं ना कहीं मैं नवोदय का छात्र रहा हूं तो मैं मानता हूं उससे बेहतरीन विद्यालय अभी तो भारत देश में कहीं है नहीं। हो सकता है कोई बहुत महंगे महंगे हो, लेकिन महंगे की बात मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं, और हमारे हिंदुस्तान में 2 देश रहते हैं, एक इंडिया है जो दिल्ली में है बड़े बड़े शहरों में, एक भारत है जो छोटे छोटे गांवों में बसता है, और नवोदय छोटे छोटे गांवों के बच्चों का स्कूल है। तो वो परिकल्पना गुरुदेव ने आज से कई सालों पहले कर ली थी और बहुत अच्छी बात की। इन्होंने ये भी कहा कि जो शिक्षा आपकी होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए। लोग कई बार ये कहते हैं कि टैगोर साहब जो है बहुत अंग्रेजी के समर्थन करते थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप उनको ढंग से पढ़ोगे तो वो यही कहते थे कि जो आपकी शिक्षा होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि जब शिक्षा आपकी मातृभाषा में होगी तो आप उसको बहुत अच्छे से अपना पाओगे, आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाओगे। अदर लैंग्वेज की शिक्षा कभी भी आपके अंदर अपनत्व नहीं ला सकती। आप अंग्रेजी में कितना भी पटर पटर कर लें, लेकिन जब कोई दुख की घड़ी आती है तो उस वक्त आप हिंदी में अपने आप निकलना शुरू आपके हो जाती है, ठीक है। कई लोग हैं जो बहुत आधुनिक हो चुके हैं, खैर मुझे कटाक्ष नहीं करना किसी के ऊपर, लेकिन वो एक दिखावा है, सरासर दिखावा है, वो दिखावा नहीं। मातृभाषा में शिक्षा का अपना ही अलग ही आनंद है और उसमें अलग ही मजा है, ठीक है। और आधुनिक शिक्षा के पक्ष गर्द है, आधुनिक शिक्षा जो आज विदेशों में शिक्षा है, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें सिर्फ किताबों को महत्व न दिया जाए, जिसमें सिर्फ ये ना हो कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है बच्चों के बच्चे रटते जा रहे हैं रटते जा रहे हैं, फिर नौकरी, मतलब बच्चा खुद अपने आप में बचपन से लेके बड़े तक उसके पास में यही टेंशन होता है नौकरी पाना है, पढ़ाई कर ली, अब नौकरी सर्च करें, नौकरी सर्च करने के बाद प्रमोशन, और अगर
भाई एक व्यक्ति इंजीनियर हो गया तो उसको फिर किसी और चीज का नॉलेज ही नहीं। कंप्लीट पर्सनालिटी वाली जो बात होती है वो शिक्षा प्रणाली में नहीं, बल्कि शिक्षा प्रणाली ऐसी होती है जो कंप्लीट पर्सनालिटी निकले। अगर भाई तुम्हें इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब नहीं लग रही है, तुम किसी और फील्ड में भी खड़े हो सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इस तरीके की आधुनिक शिक्षा की गुरुदेव ने प्रशंसा की है और उसका सपोर्ट किया है। अब इनका राष्ट्रवाद और टैगोर का राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रीय वाद इनका आता है, जिसमें कुछ खास बातें हैं। इन्होंने संकुचित राष्ट्रवाद का विरोध किया है। आज हम देखते हैं संकुचित राष्ट्रवाद है हमारा, ठीक है। धर्म विशेष के लोग दूसरे धर्म से नफरत करते हैं। अगर आप ऐसा कहोगे तो ही आप राष्ट्रवादी हो, आप ऐसा नहीं कहोगे तो आप राष्ट्रवादी नहीं हो। ये जो द्वेष है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जो एक जहर फैलाया जा रहा है, ये कोई राष्ट्रवाद नहीं, ठीक है। ये सिर्फ देश को डुबाने की प्रवृत्ति है। इनका राष्ट्रवाद यह कहता है कि जिसमें हम राष्ट्र तो ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हम विश्व के सभी लोगों को अपना समझ के समझें, ठीक है। यह वसुदेव कुटुंबकम की नींव जो है, भले हजारों साल पहले रख देती है, लेकिन उसको मानने में गुरुदेव का एकदम परफेक्ट पर्सनैलिटी गुरुदेव थे जो मानते थे इस चीज को। और ये कहते थे कि किसी भी सिचुएशन में ऐसा राष्ट्रवाद जो लोगों के बीच में द्वेष डाले, जो लोगों के बीच में नफरत डाले, वो बेकार है। राष्ट्रवाद वह होता है जिसमें आप अपने राष्ट्र से प्रेम करो, लेकिन उससे पहले राष्ट्र में रहने वाले लोगों से प्रेम करो। आपके आसपास जो प्रकृति है, जो जमीन है आपकी, आप उससे प्रेम करो। असली राष्ट्रवाद वह है जिसमें अपनापन हो, सौहार्दता हो, भाईचारा हो। लेकिन अब आज जो हो रहा है वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा आप लोग समझदार हो, देखिए गुरुदेव ने ये कहा है। और अगर ये कभी निबंध वगैरह में या कभी इसमें यूज करें तो बहुत अच्छे से, कभी आतंकवाद के ऊपर या किसी चीज के ऊपर निबंध आता है तो गुरुदेव की कुछ बातें आप जरूर लेंगे, आपको बहुत इम्पैक्टफुल आपका निबंध रहेगा वहां पर। या एथिक्स में कभी आप क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप जरूर डालें, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा अगर आप गुरुदेव की बातों को आप यूज करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर निबंध आता है तो आप गुरुदेव की बातों को इंक्लूड करें वहां पर। अध्यात्म के क्षेत्र में आता है, किसी भी क्षेत्र में अगर आता है तो गुरुदेव की बातों को आप डालें, बहुत ही इंपैक्टफुल रहेगा। क्योंकि बहुत कम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर को कोट करते हैं, बहुत ही कम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर कोट करते हैं। अगर आप कोट करेंगे आपको उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर इन्होंने विश्व एकता, विश्व शांति, विश्व सरकार की बात की। यानी जो राष्ट्रीय एकता है हम बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, वैश्विक एकता की बात करते हैं। यानी सारे विश्व में भी एकता हो चाहिए, सारे विश्व में शांति हो चाहिए और सारे विश्व में एक सरकार होनी चाहिए। तो विश्व सरकार की जो संकल्पना है और जो इन्होंने विश्व भारती का, इन्होंने मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, विश्व भारती की इन्होंने स्थापना की थी, विश्व भारती की वो जो स्थापना है वो इन्होंने पूरे विश्व में एक ऐसी सरकार बनाने के लिए की थी जिसका कंट्रोल सारे विश्व के ऊपर हो, सारे विश्व के बारे में सोचे। और आपको जानकर मैं पहली बोलता हूँ, आश्चर्य होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव रखी गई है उसके पीछे गुरुदेव के विचारों को ही स्थान दिया गया। हालांकि हम भारतीय हैं तो हम भारतीयों को ज्यादा उठाया नहीं जाता है, हमारे बारे में ज्यादा बोला नहीं जाता है, लेकिन अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की संकल्पना की बात की जाए तो वहां पर गुरुदेव का ही बहुत बड़ा हाथ था। राष्ट्रीयतावाद की ये बात करते हैं कि हम सिर्फ एक देश के नागरिक नहीं है, विश्व के नागरिक हैं। और जिस तरह हमें अगर कोई हमारे देश के बारे में कुछ कहता है तो हमें बुरा लगता है, वैसे ही अगर विश्व के बारे में कोई कुछ कहे तो हमें बुरा लगना चाहिए। हमें द्वेष नहीं रखना चाहिए। जो बॉर्डरों में विश्व बटा हुआ है वैसा हमारा विश्व बटा नहीं होना चाहिए। वही बात मैंने कही, विश्व नागरिक की संकल्पना, इंसान को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बुंदेलखंड का या छतरपुर का या खजुराहो का एक इंसान हूं, बल्कि मैं तो इस विश्व का इंसान हूं, कहीं ना कहीं मैं इस विश्व का नागरिक हूं। और यहाँ पे जितने भी नागरिक हैं वो सब मेरे भाईचारे के अंतर्गत आते हैं और विश्व का विकास मेरा विकास है, मेरा विकास विश्व का विकास है। मैं शांत रहूंगा, मैं विश्व में भी शांति फैलाऊंगा। इस तरीके की संकल्पना आज से 100 साल पहले गुरुदेव ने की थी। और वही जो बात मैंने कही, विश्व बंधुत्व के साथ में राष्ट्रीयता, यानी आप अपने देश के लिए राष्ट्रवादी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और देश का सम्मान ना करें या किसी और देश की अस्मिता, उसकी राष्ट्रीयता, उसके सम्मान के बारे में आप कोई ऐसी बात कहे जो गलत है। तो इस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर अपने आप में एक संपूर्ण आधुनिकवादी, अंतरराष्ट्रीयवादी, एक ऐसे मानव थे जिन्होंने विश्व को एक अलग ही नजर से देखा जो शायद बहुत सारे दार्शनिक नहीं देख पाए। बहुत सारे दार्शनिकों की सोच एक क्षेत्र विशेष में सिमटी हुई थी, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव की जो सोच थी वो वैश्विक स्तर पर पूरी तरीके से फैली हुई थी। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी एथिक्स, मैं मानता हूं कि एथिक्स जिस तरीके से हमने कंप्लीट किया है, हम लोगों ने अपने चैनल को कंप्लीट किया है, वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि एक लाइन से हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं। और लगभग हर सब्जेक्ट जब मैं शुरू करूंगा इसी तरीके से शुरू करूंगा कि स्टार्टिंग टू एंड आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। यदि आपको लगता है कि मेरे प्रयास अच्छे हैं तो आप कम से कम मेरे वीडियोज को शेयर करें,
जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके पास फीस देने के पैसे नहीं है, उनके पास तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वह घर बैठे भी तैयारी कर सके। आप लोगों का साथ रहेगा तो हम बहुत आगे जाएंगे और एमपीपीएससी 2019 में रिजल्ट जो होगा वो एक अलग रिजल्ट होगा। कोचिंग में पढ़ने वालों से ज्यादा कोचिंग में ना पढ़ने वालों को आगे ले जाना, यही मेरा लक्ष्य है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।